हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद वर्क एंड एनर्जी। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें हमें नई नई चीजें देखने को मिलेगी। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज को स्टडी करने को मिलेगा इसमें, एंड हमें साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क समझने को मिलेगा। देखिए, वर्क हम क्या सोचते हैं, अगर हम वर्क की ही बात करें तो वर्क हम सोचते हैं काम, कि हमने कितना काम किया। ठीक है, आप सुबह उठते हैं बिस्तर से, आप पूरे दिन भर स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर गेम्स खेलते हैं, सब कुछ खेल कूद के घर वालों ने कुछ दो तीन काम बता दिए कि जाके ये सामान ले आओ, ये ले आओ। सब करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे लास्ट में जाके आप बेड पे सो जाते हैं जहां से आप उठे थे। ठीक है, तो आपके हिसाब से तो क्या होगा, आपने बहुत सारा वर्क किया है, बट फिजिक्स के हिसाब से आपने वर्क कुछ नहीं किया है। सिमिलरली, अगर आप कोई भी, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, आपको आपने क्या किया, उसे आप उसको क्या करेंगे, उठा के लेके गए और वापस लाए और उसी जगह पे आपने आकर रख दिया, तो आपके हिसाब से आपने उसको वर्क किया होगा, लेकिन क्या है, आपने एट द एंड ऑफ द डे वर्क नहीं किया है, अगर वो ऑब्जेक्ट वापस उसी जगह पे आ गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट डिफरेंस कहाँ है। हम तो हमारे हिसाब से तो हमने आपने रनिंग करना स्टार्ट किया, एक जगह से स्टार्ट हुए, आप रनिंग करते हुए एक पार्क के चक्कर काटे, आपने 10 राउंड्स मार लिए, मारने के बाद आप थक गए और आप बोलोगे बहुत ज्यादा भाग लिया है, बहुत हो गया है ना, आप थक तो गए, लेकिन वर्क अगर फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो जीरो। यहां पे अब आता है कंसेप्ट, क्या है ये फिजिक्स का वर्क और हम जो वर्क मानते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं फिजिक्स के हिसाब से, बात करते हैं व्हाट इज वर्क, व्हाट इज वर्क। वर्क अगर हम फिजिक्स के हिसाब से बात करें, इट इज द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द displacement occurred। कि हमने जो फोर्स लगाया उससे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाया उसको और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या हो जाता है, वर्क निकल के आता है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो हम साइन बना रहे हैं, ये साइन क्या शो करता है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो अगर आप समझे तो ये जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमने मोशन में पढ़ा था, ठीक है, तो उस पर हमने पढ़ा था कि एक होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है कि आप कहीं से जो पाथ ट्रेवल किया आपने वो दैट इज डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के जो बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जैसे ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट बी पॉइंट की तरफ गया, तो ए से बी की तरफ को अगर आप एरो बना देते हैं, ये जो ज्वाइनिंग कर देते हैं लाइन, इसका जो डिस्टेंस, इसकी जो लेंथ है उसको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेना है, हमें क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है, हमें ना ही डिस्टेंस नहीं लेना है, हमें ये डिस्टेंस नहीं लेना है, ये ऊपर अगर ऐसे से आया है कहीं से घूमता हुआ आया तो डिस्टेंस नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करना है। तो वर्नर की डेफिनेशन आपको समझ आ गई, तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू द, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू द डिस्प्लेसमेंट अकर्ड। क्लियर है, समझ आ गया। तो ये हमारा वर्क की डेफिनेशन होती है फिजिक्स के हिसाब से, वर्क हमारा ये काम किया जाता है। अब बात आते हैं वापस उसी पॉइंट, उसी चीज पे, हमने बात करी कि जैसे आप सुबह उठते हैं बेड से और फिर आप पूरा दिन भर आपने इधर जो भी छोटी छोटी चीजें करी और उसके बाद में आके सो गए, तो आपने पूरे दिन भर में वर्क डन हमने बोला जीरो किया, सही है। देखिए क्या, ये आपका अगर बेड हो गया, आप सुबह उठे और आपने यहां से आप पूरे दिन भर कहीं ना कहीं वॉक करते रहे या कुछ भी काम किया, सब कुछ किया, एट द एंड ऑफ द डे आप आगे उसी जगह पे आके सो गए। क्लियर, तो आपने जहां से स्टार्ट किया था, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट है, ठीक है ना, तो आपका जब इनिशियल और फाइनल सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो
वर्कडन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्कडन जीरो। क्लियर हो गया? तो इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं हम फिजिक्स में। तो हमारे फिजिक्स के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तब वर्कडन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है, समझ आ गया? चलिए इस फॉर्मूले के ऊपर ही बात करते हैं थोड़ी सी और, ठीक है। तो हमने समझा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो वर्क डन होने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, या तो हमारे पास फोर्स होना चाहिए, दो नई चीजें होनी चाहिए, यानी इक्वल मतलब आपको फोर्स भी होना चाहिए प्लस डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अगर आपका फोर्स जीरो है तभी भी वर्क डन जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तभी भी वर्क डन जीरो होगा। तो ये दोनों चीजें होंगी तभी हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। और फोर्स होता क्या है, अगर हम फोर्स की वापस डेफिनेशन लिख देते हैं, फोर्स इज पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट, पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट, पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे जो पुश और पुल किया गया है उसे क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा वो क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमारे को ये दोनों चीजें होनी चाहिए, आपके पास फोर्स भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपके में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, वर्क डन होगा। क्लियर हो गया, नहीं होंगे, समझ आया होगा। चलिए अब आते हैं इसकी यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ वर्क डन। अगर हम बात करें व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या होता है ये समझते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में आ रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है या ना, यही तो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो वर्क डन की यूनिट क्या हो गई, ठीक है, वर्क डन की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। तो आपकी यूनिट हो गई न्यूटन इनटू मीटर, या फिर एक और नाम से जाना जाता है इसे, दैट इज जूल, दैट इज जूल। जूल एनर्जी की यूनिट भी है और वर्क डन की भी यूनिट रहती है। क्लियर हो गया? वर्क डन की अगर आपको यूनिट बोली जाए तो आप न्यूटन मीटर भी रख सकते हैं और जूल भी रख सकते हैं, दोनों की दोनों ही सेम चीज है। वन न्यूटन मीटर इज इक्वल टू वन जूल, वन न्यूटन मीटर इज इक्वल टू वन जूल। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या होता है, यूनिट होता है वर्क डन का इन फिजिक्स। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, समझ आया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमें वर्क की डेफिनेशन समझ आ गई, वर्क की यूनिट समझ आ गई, और वर्क होने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों चीजें होंगी तभी इसमें वर्क डन होगा। क्लियर हो गया? चलिए सिनेरियोस ले लेते हैं, है ना, केसेस ले लेते हैं, कंडीशंस हम ऐसे कह लेते हैं, कंडीशंस हमारे पास कंडीशंस कौन कौन सी आती हैं। आपके लेवल में बात करते हैं तो उस वही वाली बात हम यहां पे कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो कंडीशंस हमारी क्या क्या होती है वर्क डन के लिए, पहली कंडीशन ये क्या है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, आप इसको पुश कर रहे हो, तो आपका फोर्स लग रहा है इधर को और ये ब्लॉक मूव कर गया यहां से इधर, यहां पे आ गया, फाइनली ये ब्लॉक यहां पे आ गया, डी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मूव करके, डी डिस्प्लेसमेंट मूव करके ब्लॉक को आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, उसी डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। फोर्स एंड, तो हमारा फर्स्ट केस क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कंडीशंस क्या है वर्क डन में हम बात कर रहे हैं, पहला है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब क्या होगा, इसको समझते हैं। तो इसे यहां पे याद रखना है, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्टेंस।
तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, वर्क डन को खाली फोर्स इनटू डिस्टेंस कर देना है। समझ आया? एक क्वेश्चन इसका अगर इसी का एग्जांपल देखें, अगर आपको बोल दिया मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 20 सेंटीमीटर का, तो वर्क डन कितना होगा? क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 सेंटीमीटर का, तो वर्क डन कितना है ये बताइए। तो सिंपल लॉजिक लगाना है आपको, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रखना है पहले, फोर्स आपका 100 और डिस्प्लेसमेंट आपका 20 सेंटीमीटर। हमने अभी हमने बात करी थी इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर, तो सेंटीमीटर को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो यहां से आपका आंसर आ गया 20 न्यूटन मीटर या फिर 20 जूल, आप दोनों में से कोई भी आप यहां पे आंसर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अगर आपका आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हो और उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव, जैसे आपने पुश किया उसी डायरेक्शन में मूव कर रही बॉडी, तो क्या होगा, फोर्स और डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होने पे आपका वर्क डन कैसे निकलता है, वर्क डन सिंपल फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? चलिए यहां तक समझ आ गया होगा, पहली कंडीशन समझ आई कि आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम रखी, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस इस वैसा बन जाएगा, जैसे एक स्लोप है, आप एक ब्लॉक है आपका, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं रस्सी लेके आप इसको खींच रहे हैं, अपने आप क्या लगा रहे हैं फोर्स इधर को लगा रहे हैं ऊपर को। अब स्लोप होने की वजह से ये क्या हो रहा है, ये ब्लॉक हैवी होने की वजह से ये मूव कर जा रहा है बैक साइड, ठीक है, और ब्लॉक पहुंच गया यहां पे। अब क्या हुआ है, फोर्स लगाया गया इधर को और ब्लॉक मूव कर गया पीछे को, तो ब्लॉक चले गया पीछे को ऐसे। तो ऐसे केस में जब आपका फोर्स और ब्लॉक की डायरेक्शन के बीच में ये आपका फोर्स है और ये आपका ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में अगर एंगल 180 का बन जाता है, 180 का एंगल बन जाता है, तब क्या होगा, तो हमारा इसका ये कंडीशन केस टू बन जाएगा हमारा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन नॉट सेम इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कौन से डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, आगे और पीछे अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आगे और पीछे को हो गया। क्लियर है? तो ऐसे केस में, ऐसे में क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला आप याद रखना, वर्क डन विल बी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उल्टी साइड हो जाए। ये इसके केस एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे हम गाड़ी जा रही है तेजी से, हमने ब्रेक मार दिया, ब्रेक लगने से फ्रिक्शन फोर्स लगता है पीछे को, लेकिन हमारी गाड़ी थोड़े टाइम तक आगे को चलती है, तो वहां पे, तो ऐसे केसेस में वर्क डन कितना होता है, माइनस का एफ इंटू डी। ऐसे में वर्क डन क्या होता है, माइनस का एफ इंटू डी। जैसे आपने सपोज करो एक ब्लॉक है, डंबल है, जैसे हमने उठाया, आप लगा रहे हैं फोर्स ऊपर को, वेट ज्यादा होने की वजह से डंबल उठ ही नहीं पा रहा, वो वापस नीचे चले गया, तो आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर को, जहां वो नीचे हो रहा है, तो ऐसे केस में जहां आप फोर्स लगाते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो जाती है बॉडी की, तो आपका वर्क डन क्या होता है, माइनस में आता है और वर्क डन विल बी टेकन एज नेगेटिव। क्लियर हो गया? इसे कहते हैं नेगेटिव वर्क डन, और इस टाइप की कंडीशन को क्या कहा जाता है, केस टू में हम कहते हैं इट इज नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। तो पहला वाला केस था पॉजिटिव और दूसरा वाला केस था नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वर्क डन। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो ये हो गया आपका नेगेटिव वर्क डन, पहला केस जिसमें हमने बॉडी को फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में मूव कर गया, तो हो गया आपका पॉजिटिव वर्क डन, उसमें फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू F इनटू D, और यहां पे अगर हमने फोर्स लगाया और उसके बिल्कुल अपोजिट बॉडी मूव कर गई, तो वो हो गया आपका माइनस नेगेटिव वर्क डन, इसका फॉर्मूला होता है F माइनस का F इनटू D। समझ आ गया? तो इस तरीके से केस टू हो गया आपका यहां पे, है ना। अब आता है थर्ड केस, थर्ड केस में आते हैं अगर आप वर्क डन ही ना करो, ठीक है, और वर्क डन ही नहीं कर रहे हैं आप, मतलब यार उसके लिए हम बात करते हैं कैसे कब वर्क डन नहीं होता है। आपने आप खड़े हैं, आपने फोर्स ही नहीं लगाया और ये ब्लॉक अपने आप ही मूव कर रहा है, ठीक है, या अपने आप ही मूव कर रहा है, ठीक है, आपने फोर्स नहीं लगाया, वो पहले से मूव कर रहा था और वो मूव ही करता जा रहा है, आपने उसमें फोर्स नहीं लगाया, तो फोर्स इज जीरो,
फोर्स यहां पे क्या है, जीरो है केस थर्ड। इफ फोर्स इज जीरो, फोर्स इक्वल टू जीरो, तो फोर्स जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो वर्कडन कितना हो जाएगा, जीरो। केस क्या हो गया इसमें, वर्कडन इज इक्वल टू जीरो। समझ आ गया? तो एक ही केस होता है थर्ड जिसमें आपका क्या है, फोर्स अगर आप लगाते ही नहीं है, बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमारे ऐसे कंडीशन में भी वर्क डन जीरो ही रहेगा। जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वर्क डन नहीं काउंट किया जाएगा। केस नंबर फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। नेक्स्ट फोर्थ केस क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। अब क्या है, आप हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं वॉल पे, आप वॉल पे फोर्स, एक बॉल है, बहुत बड़ी बॉल है, आप उस पे फोर्स लगा रहे हैं, आपने पूरा फोर्स लगा रखा है, आप पूरे मतलब जोर शोर से लगे हुए हो, बट दीवार तो हिलेगी नहीं। जब दीवार ही नहीं हिली, आप फोर्स जितना भी लगा लो, अगर दीवार ही नहीं हिल रही है तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो, तो वर्क डन भी कितना होगा, जीरो। अब आपको बोला गया कि जाके दीवार को पुश करो, आप बहुत बार पुश कर रहे हो, जैसे ग्राउंड को करते हैं पुशअप करते हैं ना जब, तो आपने क्या किया, आप ग्राउंड को पुश कर रहे हो बार बार, ग्राउंड मूव कर नहीं रहा है ना, ग्राउंड को आप पूरा दबा के आपने पैरों से भी दबा रखा है, ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। जब भी कोई बॉडी अगर इसका फोर्स लगा और वो मूव ही ना करे, अगर मैं इस बोर्ड पे पुश कर रहा हूं और ये बोर्ड मूव ही नहीं कर रहा है, तो मेरा वर्क डन कितना हो गया, जीरो। समझ आ गया? चलिए अब जो नेक्स्ट केस है, दैट इज फिफ्थ केस। ये केस आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है, काफी सारे कुछ स्टूडेंट्स को इस केस में प्रॉब्लम आती है। फिफ्थ, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, जैसे आपने क्या किया, आपने बुक्स को उठा के यहां पे बुक्स रखी, यहां पे वेट रख लिया आपने सर पे, ठीक है, फोर्स लग रहा है नीचे को, लेकिन आप मूव कर जाओ आगे को, आपका डिस्प्लेसमेंट इधर को और फोर्स नीचे को लग रहा है, तो अगर आप देखेंगे फोर्स नीचे को है और डिस्प्लेसमेंट आगे को है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का बन जाए, अगर एंगल 90 डिग्री का बन जाए, तो वर्क डन कितना हो जाता है इस केस में भी, याद रखना है, जीरो। इस केस में भी वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। अगर बॉडी और आपने क्या किया, सपोज करिए बुक्स है, बुक्स को आपने उठा लिया, ऐसे आपने हाथ में उठा रखा है, ऐसे बुक्स उठा रखी और आप ऐसे चल रहे हैं, तो बुक्स कहां को वेट लगा रही है, फोर्स लगा रही है नीचे को और आप आगे को चल रहे हो, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। एक कूली क्या करता है, जब सामान अपने सर पर रखता है और मूव आगे करता है, तो आपको लगेगा कूली वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो फोर्स लग रहा है नीचे को और वो मूव कर रहा है आगे को, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपकी हो रही है, फोर्स भी लग रहा है, बट दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का फोर्स वर्क एंगल होने की वजह से इट विल बी जीरो। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर एंगल इन दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो जाए 90 डिग्री का, तो वर्क डन विल बी जीरो। क्लियर हो गया होगा पॉइंट? तो इसके केसेस बन जाते हैं बहुत सारे, जैसे बुक्स को आप उठा के लेके चलते हो, मूव कर रहे हो, बुक्स उठा ली आपने हाथ में और मूव आगे कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, वर्क डन जीरो। कूली वाला केस, आपने कूली ने सामान उठा रखा है और आगे मूव कर रहा है, वर्क डन जीरो। क्लियर हो गया? हाँ, अगर हम बात करें नीचे पड़ा है सामान, आप उसको ऊपर उठा रहे हो, नीचे अगर कोई सामान नीचे पड़ा है, अगर मैं यहां पे बात करूं, सामान नीचे पड़ा है और आप उसको ऊपर लगा रहे हो फोर्स, और सामान ऊपर उठ जाए, तब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखनी है, कोई सामान नीचे पड़ा है मैं उसको ऊपर उठा के ला रहा हूं, तो फोर्स में लगा रहा हूं ऊपर को और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर को, तो वर्क डन होगा यहाँ पे। लेकिन अगर मेरा फोर्स पहले, मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर को और मूवमेंट आगे को कर रहा हूं, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। समझ आ गया? तो इस ये केसेस होते हैं आपके वर्क डन के। तो आपको वर्क डन के केसेस समझ आ गए होंगे। पांच कंडीशन है आपके पास। पहला कंडीशन, वर्क डन तब पॉजिटिव होता है, और वो क्या कंडीशन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होती है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जब आपका फोर्स और वर्क डन के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 का होता है,
मतलब आप फोर्स जिस डायरेक्शन लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उसका उल्टा हो रहा है। तो ऐसे केसेस में वर्क डन कितना होता है, नेगेटिव वर्क डन काउंट किया जाता है, ठीक है। और इसका माइनस फॉरवर्ड, उसका जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, माइनस एफ डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बट आगे माइनस का साइन आएगा। अब आता है वर्क डन जीरो का होता है, आप फोर्स ना लगाओ तब वर्क डन जीरो, डिस्प्लेसमेंट नहीं करो वर्क डन जीरो, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है बट एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं तो वर्क डन तभी भी जीरो। क्लियर हो गया? तो वर्क डन का आपको समझ आ गया होगा, फॉर्मूला बेसिक ही है, एक ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर इसमें बस आपको ध्यान, दो पांच केस होते हैं और आपको इन सबको ध्यान रखना है कौन सा केस यहाँ पे लग रहा है, समझ आ गया, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आपको आ जाए तो सिंपल आपको देखना है क्वेश्चन क्या होगा, उसको एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, वर्क डन निकाल लेना है इसमें आपको। चलिए करते हैं इसमें, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ बॉय पुशेस अ बॉक्स, पुश अ बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एंड बॉक्स displaces by 10 centimeter. Find work done. ठीक है जी, इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे कुछ सॉल्यूशन। वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन आपका है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन का फोर्स निकालिए, फोर्स है आपके पास 80 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, दो जीरोस ये कटे, आपके आंसर आ गया 8 न्यूटन मीटर, या फिर हम इसे कह सकते हैं 8 जूल आपका फर्क हो गया, समझ आ गया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाना, क्यों, बॉडी पुश करी उसने और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गई, क्लियर है, यहां समझ आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है अ मैन ऑफ 60 केजी जंप टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट वर्क डन, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है। अब एक आदमी है, उसने क्या किया, वो ग्राउंड पे खड़ा था, ठीक है, और उसने जंप करा, और जंप करने से वो क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, तो जैसे उसने जंप किया तो 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। अब बात आती है, इसमें फोर्स लग रहा है, जब आप जंप करते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, हाँ है ना, वो किसके इक्वल होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो वो जो होगा फोर्स इसके वेट के बराबर होगा, नहीं होगा, हाँ है ना। अभी ये अर्थ की तरफ क्यों खींचा हुआ है, वेट की वजह से, mg, ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो वेट होता है वो आपका कितना होता है mg। अगर इस आदमी को कूदना है तो इसको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कम से कम mg, तभी ये ऊपर कूद पाएगा। तो इसने फोर्स क्या लगा रहा है, ऊपर mg, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो गया, ऊपर को, हाँ या ना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में नहीं है, फोर्स ऊपर को लगा कितना m है इसका 60 और g की वैल्यू है 9.8, ये इसका हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, वो भी इसी डायरेक्शन में हो गया, हाँ या ना। चलिए इसका आंसर लिखते हैं, तो इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना हो गया 60 × 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब डिवाइडेड बाय 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा, 8 × 48 = 54, 6 × 54 = 54 + 4 = 58.8 जूल, सीधा लिख देते 58.8 जूल वर्क किया। तो एक आदमी जब कूदा स्टार्टिंग में हाइट तक पहुंचा 10 सेंटीमीटर, तो वो उसने कितना वर्क डन किया 58.8 जूल, जब ये नीचे से ऊपर कूदा।
अब जो वापस ये वापस हुई पोजीशन में आ जाएगा तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग और फिनिशियल फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, तो आपका क्या हो जाएगा वर्क डन जीरो। तो यहाँ पे हमें 10 सेंटीमीटर की हाइट तक वो पहुंचा दिया गया है, तब तो वर्क डन आएगा, तब वर्क डन कितना आ रहा है 58.8 जूल वर्क डन आ रहा है। अगर ये सपोज करो बोलता है कि जंप करके वापस उसी पोजीशन पे आ गया है ना, तो कितना वर्क डन होता है जीरो। समझ आ गया। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन अगर आपको आते हैं कि एक रनर है उसने रन किया इधर पूरा राउंड चक्कर काट के वापस आ गया, तो वर्क डन कितना होगा उसका जीरो। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट का जो सर्कुलर वाले पाथ होते हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट का आपको ध्यान रखना है, और ऐसे क्वेश्चन में भी आपको देखना है कि कहां पे लास्ट पोजीशन का है। यहां से बोला वो 10 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंच गया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो समझ आ गया होगा वर्क डन आपको। हमने वर्क डन का डेफिनेशन समझ लिया, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है वो समझ ली, 5 केसेस समझ लिए जो जिसमें पॉसिबल होते हैं वो हमने यहाँ पे समझ लिया, फिर हमने न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। ठीक है। तो वर्क डन बहुत इजी टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें फॉर्मूला भी नहीं है, इसको बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आराम से हो जाते हैं। ठीक है। इस लेक्चर में हमने वर्क डन समझा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जीज की, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज, फिर हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जीज में आते हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनको समझेंगे, इनके डेरिवेशंस भी करेंगे। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।